देखो कौन है, ये सियार है क्या जी? नहीं और ये देखो कौन है। चलो आप, ये दोस्त है। चलिए फ्रेंड, आप लोगों को ना एकदम पास से खेत दिखाते हैं कौन कौन। हेलो, मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ये देखिए, सब खेत घूमने जा रहे हैं। हम लोग गांव में आए हैं और ये सारा खेत अभी कुछ भर गया है, कुछ खाली भी है। कौन कौन सा खेत खाली है जरा बताना। चलिए आप लोगों को बढ़िया बढ़िया खेत दिखाते हैं, पूरा गांव मेरे जैसे। हे, ये पूरा सरसों का खेत है। ये भी फूले हुए सरसों हैं। इनको हम लेके चले अपनी संग अपनी नगरिया। हा, ये रहा सरसों। माय गॉड, इतने प्यारे प्यारे सरसों हैं। ये देखिए फ्रेंड, कितने सारे सरसों फले हुए हैं ना। ये सारा सरसों है यार, ये सारे सरसों के खेत हैं। हाँ हाँ, लगा हुआ है। ये देखो, ये पूरा सरसों का खेत है। और ये एक नई चीज है जो मुझे देखने को मिली है। ये आप लोग जानते हैं क्या है? ये देखिए, इसको ना केराव कहते हैं। ये केराव है जी, क्या है ये? मेरे ख्याल से ये कौन सा खेत है जी? शब खुश। ये देखिए, ये शूटिंग चल रही है। ये शूटिंग चल रही है, पूरा खेत मत उजाड़ देना तुम लोग। ये शूटिंग चल रही है। वाह वाह वाह, ये पूरा खेत है फ्रेंड। चलिए आप लोगों को बहुत दूर तक पूरा खेत दिखाते हैं। ये लोग फोटो क्लिक करा रही है, कोई बात नहीं, कराने दो। आ जाओ इधर, इधर आओ, आ जाओ, जाओ। ऐसा खींचिए ना फूल के बीच में से कि हम लोग का चेहरा थोड़ा फूल खिल जाता है। ऐसे करो, ब्लॉग बन रहा है। हाँ ऐसे, आ जाओ, आओ, खाली हो तो मेरे वीडियो बनाओ। इधर देखिए, ये पूरा मुझे भी लेना। ये सरसों का खेत है। ये हम लोग एक रावणगंज का गांव है, बिचपई गांव। हम लोग घूमने के लिए आए हैं यहाँ पर। एक छोटा सा फंक्शन था, फंक्शन में आए हैं। और इधर ये है, इधर आना, दिखाते हैं कि क्या है। ये कौन सा चीज है आप लोग गेस करके बताइएगा, ये कौन सा फल है? किस चीज का फल है ये? मसूर का। अच्छा, दिखाओ। ये देखिए, ये मसूर है, ये छोटा वाला, ये मसूर है। और ये पता नहीं, घास होगा। अच्छा, ये आप लोग बताइएगा कौन कौन सा चीज है, ठीक है बस। और इधर ये मटर लगी हुई है, मटर। लेकिन अभी मटर फला नहीं है इसमें, क्या ना? ये मटर है पर अभी मटर फला नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। चलो कट करो। वो मेरी बहन का गांव है, घर है, सॉरी। पूरा दिख रहा है, मटर फला ही नहीं है इसमें अभी। अभी पीछे लगा है। अखंड रामायण खत्म होने के बाद ये सारा जो खाना वाना बच जाता है ना, ये सब पैक करके दिया जा रहा है सबको। लेकर के जाइए, खा लेंगे सब कोई, फिर रात को खत्म हो जाएगा। नहीं तो फिर खराब हो जाएगा ना ये सब सारे खाने जो हैं। तो सबको ऐसे ही पैक कर करके बांट दिया जा रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं? और आगे, गुड मॉर्निंग। इधर भी खाओ, पूरा ऐसे ले लो, पूरा मम्मा को, सबको ले लो। हाय, पूरा ऐसे, पूरा तालाब दिखाओ, पूरा तालाब है। बोलते रहो, बोलो, तुम तो इतनी अच्छी ब्लॉग बनाते हो लाला, बोलो। आज क्या हो गया? बोलो ना।
ला दो मेरा फ्रेंड। इधर देखिए ढेर सारे ब्लॉगर हैं, ये सब भी ब्लॉगर है। एक उधर है ब्लॉगर। हाय, क्या नाम है तुम्हारा? नीलेश कुमार सिंह। नीलेश कुमार सिंह, एनपीएस शॉर्ट्स। बताओ, आप लोग उस पे जाकर विजिट करें, इंटरटेनमेंट चैनल है। अच्छा सा नाम बताओ, पहले अपना नाम अच्छे से बताओ। नीलेश कुमार सिंह। नीलेश कुमार सिंह और शॉर्ट्स चैनल है ना, एनपीएस शॉर्ट्स। एनपीएस शॉर्ट्स, अपने चैनल का नाम ही भूल गया बंदा। मैंने पहले ही बता दिया। चलिए आप लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट्स बनाते हैं, बढ़िया बढ़िया एकदम इंटरटेनमेंट वाले ब्लॉग बनाते हैं। जो लोग देखते होंगे ना, साड़ी वाड़ी पहन करके बनाते हैं भाई। आप आ सकते हैं, आपका अवेलेबल। हाँ बिल्कुल, आप लोग सब्सक्राइब करिए इनको भी, निकले हैं, और सपोर्ट करिए ना। थैंक यू गाइज, थैंक यू गाइज। और हम लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं घूमने, इन्हीं के घर आए हैं, सिस्टर का बेटा है। इंजॉय करने। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं चोरी करने चले। चने के पहले चने के झाड़ पे चढ़ अभी ये पलटन जा रही है चने की झाड़ पे चढ़ने, है ना? आप लोग चलिए, आप लोगों को दिखाते हैं चने के झाड़ पे कैसे चढ़ते हैं। आप लोग जाइएगा नहीं। अरे बाप रे, उधर मत जाओ। ये देखिए गाइस, मटर फले हैं, किसी के पेड़ में मटर फले हैं। हम लोग खेत घूमने आए हैं और खेत को उजाड़ रहे हैं ना जी। अरे बहुत सारे फले हैं, देखेगा तो दौड़ाएगा डंडा लेके। ये देखिए, ये छोटे देसी वाले मटर है, पर ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। देखना गिरना नहीं, पूरा व्यूज सुबह का एकदम। थोड़ा लेट उठी, उठे थे सुबह 6 बजे, सोचे थे कि छत पर चलेंगे तो सनसेट मतलब सनराइज का वीडियो बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए, नींद ही नहीं खुला। रात हम लोग बहुत लेट सोए थे, इसकी वजह से। व्यूज देख लीजिए गांव का, बहुत अच्छा लग यहाँ गांव में आकर के, इतना अच्छा लग रहा है ना फ्रेंड की क्या बताएं, जाने का मन ही नहीं कर रहा है। क्या क्या है फला हुआ कि मैं क्या क्या दिखाऊं आप लोगों को। ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये क्या है आप लोग बताइएगा। ये भी कोई फल है ना, ये आप लोग बताइएगा फ्रेंड की क्या है ये। मैं नहीं जानती कि क्या है, शायद वो है केराव, केराव है शायद। पूरी मस्ती के साथ ब्लॉग बन रहा है, थोड़ा सा आवाज भारी होगा क्योंकि हम लोग अभी जस्ट सो के उठे हैं और आ गए हैं खेत घूमने। ये भी आपको दिखा देते हैं, यहाँ बजरंग बली का, ये बजरंग बली का मूर्ति बिठा हुआ है। और ये जो है ना, ये पेड़ किस चीज का है नीलेश? बरगद है क्या? ए नीलेश, ये कौन चीज का पेड़ है? बरगद है, किनारे है। ये देखो इसमें है ना, ये पता नहीं क्या है ये। चप्पल चढ़ी है। चलो हटो, चलो हटो क्या? ये यहाँ का अन्नपूर्णा ग्राम पंचायत सदन है, कार्यालय प्रधान जी का। उधर गाय वाय है, अरे वाह, ये छोटी सी गाय है, ये छोटा सा गाय का बच्चा है भाई। ए ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बिल्कुल अलग तरह का है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक उधर खा रही है खाना,
क्या क्या अब मैं सूट करूं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या क्या दिखाएं। इतना मतलब कि अच्छा लग रहा है ना गांव में आकर के। ये देखिए ये क्या खा रही है, भूसा खा रही हो? ये भूसा खा रही है, ये भूसा खा रही है भाई। पांच बार रस्सी तोड़ी, तेजी से बोलो। पांच बार रस्सी तोड़ी, पांच बार रस्सी तोड़ी है। हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? क्लास फोर्थ। ओ क्लास फोर्थ का स्टूडेंट है भाई बच्चा। चलो उधर सरसों के खेत में चलते। पूरा फूला हुआ सरसों का खेत है, कितना सुंदर लग रहा है। मेरा मन हो रहा है कि बस यहीं बसी जाए ना नीलेश, यहीं पर रहे और यहीं बढ़ाए खाए, कितना मजा आएगा। सामने देखिए पहाड़ दिख रहा है, व्यूज बहुत अच्छा है। पंचमुखी महादेव, वो ऊपर पहाड़ी दिख रही है ना। रुक जाइए दीदी। फ्रेंड प्लीज, यहाँ पर जो है ना मैं DDLG की शूटिंग करवा रही हूँ, जो कि मुझे बिल्कुल भी रील्स बनाना नहीं आता, फिर भी ट्राई किए हैं थोड़ा बहुत कि आए हैं यहाँ गांव में। फ्रेंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ गांव में। मैं कहूँ अपनी बात बताऊँ तो ससुराल जाती हूँ तो इतना इंजॉय नहीं कर पाती हूँ, और मायके में, गांव मेरा मायके में है लेकिन मैं गांव जा नहीं पाती हूँ। कभी 15-16 साल हो गए मैं गांव में नहीं गई हूँ। बहुत मज़ा आता है, हम लोग बचपन में ऐसे ही इंजॉय किया करते थे जब गाँव जाते थे तो। पूरा यहाँ आ कर के पूरे एक दिन में इतनी मस्ती किए हैं गांव में ना। फ्रेंड अगर आप लोगों को भी अगर मौका मिलेगा गांव का सीन देखने के लिए, गांव में जाने के लिए ना, इंजॉय करने का कोई भी मौका नहीं छोड़िएगा। मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ी हूँ, हर एक चीज़ हर एक पल को एकदम से इंजॉय की हूँ यहाँ पर आकर के। ये मेरी सिस्टर का गांव है तो सब घर में ही है ये सब, वही सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और कुछ भी बाहर से ज़्यादा कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए आई थी। और आप लोग बताइएगा आप लोगों का पूरा, मैं एकदम कहिए तो लाइव दिखा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल भी कुछ भी एडिटिंग वगैरह कुछ भी नहीं किए हैं, बस जगह जगह पे वॉइस ओवर की हूँ, बाकी सब बिल्कुल रियल लाइव ब्लॉग है ये। तो अगर आप लोगों को मौका मिले गांव में जाने का तो बिल्कुल जाइएगा और हर एक चीज़ को इंजॉय करिएगा और कुछ भी मतलब छोड़िएगा नहीं कि पछताना ना रहे कि हाँ जाकर के भी हमने ये चीज़ नहीं किया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो बालू भी रखा हुआ था। अच्छे गाइस बोल रहे थे, हम लोग बचपन में गांव जाते थे, बालू का ढेर इस तरह से इकट्ठा हुआ रहता था ना, तो हम लोग यही खेल खेला करते थे। तो खरगोश का घर बनाते थे या फिर चूहे का घर, यही सब हम लोग गाँव में करते थे। यहाँ करके हर एक चीज को इंजॉय किए है, ये नहीं है कि मैं मुझे वीडियो बनाना है इसलिए मैं इंजॉय की हूँ, मैं अपना खुल के इंजॉय की हूँ हर एक चीज को। तो फ्रेंड अगर आप लोगों को मेरा ये लाइव वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ना तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा होगा तो अच्छा कमेंट, खराब लगेगा तो खराब कमेंट, कुछ भी करिए यार, क्या कीजिए आप लोग, हम लोगों को भी थोड़ा सा, कितनी मेहनत करते हैं ना आप लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। मेरा तो एंटरटेनमेंट हो ही रहा है, साथ में आपका भी मैं कर रही हूँ। ये सब चीज़ें जल्दी देखने को नहीं मिलती हैं कहिए तो, आजकल लोग इतनी ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम भी नहीं मिलता है ये सब कुछ एंजॉय करने का, और मौका भी बहुत कम मिलता है कि हम लोग ऐसी जगह पर जा पाएं। तो फ्रेंड आप लोग जरूर से करिएगा लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो सपोर्ट कर जरूर करिएगा, और आप लोग कमेंट करेंगे तो और भी ज़्यादा मैं व्यूज यहाँ पर आया करूँगी। वैसे तो मैं एक बार और आई थी 6 महीना पहले, तो यहाँ का ब्लॉग बना करके डाली हूँ, आप वो भी देख सकते हैं जा करके। और फिर 6 मंथ बाद मैं आई हूँ यहाँ पर दोबारा, तो ऐसे टाइम लग जाता है आने जाने में, नहीं टाइम मिलता हम लोगों को भी, इतनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो गई है। लेकिन आइए गांव का शुद्ध एकदम हवा पानी ताज़ा एकदम हर एक चीज़, और खाना पीना भी यहाँ का बिल्कुल सिंपल, नो मसाला, लेकिन खाना भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है खाने में। और ये फ्लावर आप देख पा रहे होंगे, देसी गेंदे का फूल है जिसको मैरी गोल्ड बोलते हैं ना जी, मैरी गोल्ड देसी एकदम, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसमें से। और अभी शिवरात्रि आ रहा है ना तो शिवरात्रि पे ये वाले फूल चढ़ाए भी जाते हैं बहुत। तो ये पूरा गांव कितना अच्छा लग रहा है ना, हर एक चीज़ हर एक मतलब देखने में हर एक चीज़। आप लोग बताइएगा कौन किस किस लोगों को गांव में जा करके
मतलब इस तरह से एंजॉय करना अच्छा लगता है, गांव में घूमना अच्छा लगता है। मैं अपने रियल गांव, अपने मायके के गांव में जब जाऊंगी ना, तो भी वहां से वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊंगी। जब भी जाऊंगी जरूर दिखाऊंगी। फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर।